हाय गाइस, वेलकम बैक टू द बुक विजन कॉर्नर। वैसे दिवाली फेस्टिवल आने वाला है, काफ़ी सारी मिठाइयों के साथ में नमकीन की भी बनाने की डिमांड और बढ़ने वाली है। ऐसे ही फेस्टिवल डेज के लिए मैं एक बेहतरीन सा नमकीन वाला आज एक रेसिपी लेकर आपके साथ हाजिर हुई हूँ। और दोस्तों, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, एंड में मैं आपके साथ में एक गुड न्यूज़ शेयर करने वाली हूँ। दोस्तों, आज की रेसिपी जितनी अट्रैक्टिव है उसको बनाना भी बहुत ज़्यादा सिंपल है और बिल्कुल 2 से 3 सामान में वो बनकर रेडी हो जाती है। देखिए कितना अट्रैक्टिव शेप है। अगर किसी को भूख ना भी हो ना, तो उसको हम सर्व करेंगे ना तो इजी से 1 से 2 प्लेट ऐवे ही खा जाएगा। तो उसको लगने वाला सामान देख लेते हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ मैदा लगेगा, जो कि हम 1 कप लेंगे। अगर मैं मेजरमेंट की बात करूँ तो यहाँ 250 ग्राम ये मेजरमेंट में आ जाता है। ये डालने के बाद में हम उसमें ऐड कर लेंगे थोड़ा सा नमक। तो नमक यहाँ मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 1 टीस्पून हम यहाँ नमक डालेंगे और उसके साथ ऐड करेंगे तिल। तिल आप यहाँ वाइट कलर की भी ले सकते हो, लेकिन मेरे पास अवेलेबल ना होने की वजह से मैं इसको ब्लैक ले रही हूँ। उसके साथ ऐड करेंगे हम यहाँ अजवाइन। अजवाइन को थोड़ा सा इस तरह से मसल लेंगे, जिससे क्या होगा ना, उसका फ्लेवर अच्छा सा हमारे नमक पारे में आ जाएगा और एक अच्छा सा खस्तापन के लिए उसमें तेल डालेंगे। तेल में यहाँ 1/4 कप इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहो तो तेल की बजाय में घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो तेल डालने के बाद में हमें इसको अच्छे से मिक्सअप कर लेना है और उसको अच्छा सा मिक्स करने के बाद में ये चेक करना है कि उसकी ऐसी मुट्ठी बनाएंगे ना तो आटा इस तरह से पैक होना चाहिए, यहाँ तक हमें डालना है। अब हम इसको तेल से एक अच्छा सा डो बना लेंगे। तो डो हमें थोड़ा सा हार्ड बनाना है ताकि जब हम उसका शेप बनाएंगे ना तो वो शेप हमारा टिका रहे। अगर डो पतला होगा तो वो शेप अच्छा सा नहीं बनेगा। इस तरह से उसका डो बनाने के बाद में ऊपर से थोड़ा सा तेल लगा लेंगे ग्रीस करने के लिए और इसको 10 से 15 मिनट हम रहने देंगे। 10 से 15 मिनट तक हम अभी इसमें लगने वाला जो स्प्रिंग करने वाला जो मसाला होता है चटपटा सा, वो बना लेंगे। तो उसके लिए हमने मिर्च ली है। मिर्च पाउडर के साथ में यहाँ ले लेंगे 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर। उसके साथ जाएगा हमारा 1 टीस्पून चाट मसाला। उसके बजाय आमसुल पाउडर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। थोड़ा सा हम यहाँ सॉल्ट डालेंगे और इनको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। यहाँ एक चटपटा सा हमारा स्प्रिंकल करने वाला मसाला बनकर रेडी हो जाता है। इसको साइड में रख लेंगे और ये जो हमने आटा गूंथ कर रखा था इसको अच्छे से मसाज कर लेंगे। मसाज जितनी अच्छी होगी तो उतने ही अच्छे हमारे बिल्कुल क्रैक्स वगैरह नहीं आएंगे हमारे जो हम स्नैक्स बनाने वाले हैं उसमें। तो इस तरह से अच्छा सा मसाज करने के बाद में हम जो पोल पार्ट होता है ना, जिस पे हम रोटियां वगैरह बनाते हैं, इसको ले लेंगे और उसको अच्छा सा उसके ऐसे लोइया बना लेंगे, जैसे कि हम आटा गूंदने के बाद रोटियां बनाने के लिए करते हैं ना, इसी तरह उसके इक्वली शेप में लोइया बना लेंगे और इसको इस तरह से गोल राउंड में करेंगे। अभी जिस तरह से सेम हम रोटियां बनाते हैं उसी तरीके से हमें रोटियां को बेलना है। तो इस तरह से हमने डस्टिंग किया है मैदे में ही और इसको अच्छा सा एक जो रोलर होता है अपना रोटियों बेलने वाला, उससे हम रोटियों की तरह शेप में इसको बेल लेंगे। तो जितने भी हमने अभी वो पेड़े बना कर रखे हैं ना, उन सबों की हम पहले तो रोटियां बना लेंगे, जिससे हमारा जो आगे का काम है बहुत आसानी से हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने पहली बनाई है, उसके बाद ये दूसरी भी बना लेंगे। अब आगे आ जाना है हमें, एक रोटी के ऊपर दूसरी को इसी तरह से रखना है। बीच में तेल वगैरह हमने कुछ भी नहीं लगाया है। इस तरह से रखने के बाद उसको थोड़ा सा और भी बेलन हम उसके ऊपर चला लेंगे। बेलन चलाने से वो अच्छी सी एक दूसरे के साथ में पैक हो जाएंगी और जब हम उसकी जो स्नैक्स में शेप लगाएंगे ना तो एक अच्छी सी परत बनते जाएंगी। तो इस तरह से और बेल लेना है। उसकी थिकनेस जो है वो भी थोड़ी कम हो जाएगी, मतलब ज़्यादा मोटी रोटी नहीं बेलनी है हमें। तो इस तरह से रोटी पे रोटी रखकर हमें बेल लेना है एकदम पतली सी, और देखिए इक्वली रहना है। अब लेना है पिज़्ज़ा कटर। पिज़्ज़ा कटर करने के बाद में एक चपाती के हमें 16 हिस्से करने हैं। देखिए पहले तो पिज़्ज़ा कटर से हमें जिस तरह से पिज़्ज़ा करते हैं उतनी स्लाइस करने के बाद में और एक बीच में से हमें कट्स लगानी है हर पार्ट्स के अंदर, जिसमें एक रोटी के हमारे 16 हिस्से हो जाते हैं। ये परफेक्ट मेजरमेंट है और परफेक्ट शेप इसका आ जाता है। ये करने के बाद में अब हमको यहाँ से जमता होगा तो अच्छी बात है, वरना हम इसको कोई प्लेट्स पे शिफ्ट कर लेंगे। बाकी को हमने प्लेट्स पे शिफ्ट कर लिया है और इस तरह से उसको फिंगर की मदद से रोल रोल करते जाना है। तो देखिए कितना अट्रैक्टिव सा हमारा यहाँ
स्नैक्स बनकर रेडी हो जाता है। बिल्कुल ही अलग डिज़ाइन है, बिल्कुल ही यूनिक डिज़ाइन है। तो इसी तरह हमें ना अभी जितने भी हमने ये कट्स लगाए हैं ना, इनके इसी तरह से देखो, ये सिंपल मेथड है। बिल्कुल उसके एक किनोर पे हमारी हथेली रखना है और उसको थोड़ा सा रोल करने के बाद में इस तरह से उसको हल्के हाथ से प्रेस करते जाना है। तो हमारी यहाँ डिज़ाइन बनकर रेडी हो जाती है। और जो एंड्स वाले हैं, अगर आपको ऐसा डर हो कि ये तेल में खुल ना जाए, तो इसके लिए हम थोड़ा सा फिंगर पे नॉर्मल पानी लेंगे और उसको हम उस तरह से सील कर देंगे, जिस तरह से हम समोसे बनाने के समय करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह। तो यहाँ हमारे ऑलमोस्ट हमने जितने भी कट्स लगाए थे उसके डिज़ाइंस हमने बना दिए हैं। और दूसरी तरफ हमने तेल हीट करने के लिए रख दिया है। और जब तेल अच्छी तरह से हीट होने के बाद में उसका फ्लेम हमें लो कर देना है, और बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें इसको डालते जाना है। और इस तरह से झारे की मदद से या फिर इस तरह के छन्नी वाले चमचे की मदद से हमें धीरे धीरे इसको फिराते जाना है, ताकि जो चारों तरफ के जो हमारे स्नैक्स हैं वो बिल्कुल अच्छी तरह से गोल्डन होने तक इसको फ्राई करना है। जिस तरह से समोसे हम तलते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से हमें बिल्कुल स्लो फ्लेम पे इसको सारा काम करना है। अगर जल्दबाजी करोगे तो वो जल भी जाएंगे और अंदर से जितनी भी हमारी लेयर बनी है वो अच्छी तरह से खस्ता नहीं बनेगी। तो देखिए, यहाँ हमारे ऑलमोस्ट हमने जितने भी क्रैकर्स बनाए थे ना, वो सारे हमने इसी तरह से फ्राई कर लेना है। और ये सारे जो स्प्रिंग है इसको निकाल कर हमें कोई टिश्यू पेपर पर ले लेना है। तो यहाँ टिश्यू पेपर पर डालने के बाद, एक्स्ट्रा ऑयल सोखने के बाद हमने उसको एक बाउल में ले लिया है, मिक्सिंग बाउल में। और ये जो चटपटा मसाला हमने बनाया था इसको तुरंत ही हमें इस पर डाल लेना है। थोड़े से गर्म होते हो रूम टेम्परेचर पर, और उसमें तेल का पोर्शन होने की वजह से ये मसाला तुरंत ही ये ऑब्ज़र्व कर लेते हैं। बिल्कुल अच्छे से ये मसाला इसमें मिक्स हो जाता है। इस तरह से उसको थोड़ा सा उछालना है और हम इसको सर्व कर सकते हैं। इसका डिज़ाइन देखिए कितना अट्रैक्टिव, और मसाला डालने के बाद तो मज़ा ही आ जाता है इसको खाने में। इस दिवाली हर बार की तरह टिपिकल कुछ स्नैक्स बनाने से हम ये न्यू तरीका ट्राई करेंगे दोस्तों। गुड न्यूज़ ये है कि जल्द ही हमारी YouTube फैमिली 1K कंप्लीट करने वाली है। तो आपका प्यार और आपका साथ हमारे साथ एंड तक यूं ही बनाए रखिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। और ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट्स कर ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा।